नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस न्यूज और आपके साथ हूं मैं प्रतिभा ज्योति। एचएस न्यूज हिंदुस्तान समाचार का तेजी से बढ़ता डिजिटल चैनल है और उसी तेजी से पाठकों के दिल में उतर रहे हैं हिंदुस्तान समाचार के तीन मैगजीन्स युगवार्ता, यथावत और नवोत्थान। इन्हीं मैगजीन्स को लेकर हम अपना यह कार्यक्रम एडिटर्स चॉइस पेश करते हैं और एडिटर्स के साथ ये चर्चा करते हैं कि वे आपके पढ़ने के लिए किस तरह की सामग्री तैयार करते हैं। एडिटर्स चॉइस में हम आज बात करेंगे युगवार्ता के कवर स्टोरी की। युगवार्ता हमारी वीकली मैगजीन है और चुनाव के मद्देनज़र इस बार बात की गई है बिहार की राजनीति में धमक रखने वाले नेता लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहे उठापटक की। युगवार्ता के संपादक संजीव जी मेरे साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि विद्रोह का शंखनाद कैसे बज गया है बिहार में। संजीव जी, थोड़ा विस्तार से बताइए, आपकी कवर स्टोरी है जी। विद्रोह का शंखनाद, ये तेज प्रताप जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं जी, इन्होंने बजाई है और उनका कारण भी वाजिब है। मैं आपको पीछे बताऊं तो ये बड़े बेटे हैं लालू यादव के जी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पार्टी की बागडोर तो छोटे बेटे के हाथ में है। नहीं, सबसे पहले तो उप मुख्यमंत्री भी इन्होंने जब सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव को बनाया, मतलब छोटे बेटे, छोटे बेटे को, और पार्टी की बागडोर भी दे दी और सदन में विपक्ष के नेता भी यही हैं जी। तो ये तीन कारण तो पहले से थे, तो जो काबिल होगा उसी को तो काम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, काबिल ये भी हैं, इनका भी कहना है, साबित भी तो करना होता है। हाँ, साबित भी परिवार होता में है। ये लालू राजनीति के मजे हुए माने जाते हैं, वो बहुत ही मजे हुए राजनेता हैं और उन्होंने यदि बागडोर सौंपी है अपने बेटे को तो कुछ ना कुछ जरूर उन्होंने उसमें देखी होगी बेटे के अंदर। कहते होनहार बिरवान के हो चिकने पात, कुछ तो नहीं, तो बिरवान तो दोनों लालू यादव के ही हैं और बड़े लड़के हैं, इसलिए इनका एक अधिकार भी है। और राजनीति तो वैसे भी वर्चस्व की लड़ाई होती है और यहाँ वर्चस्व की, और परिवार में ये लड़ाई कोई आम बात नहीं है। और कहीं भी अगर राजनीतिक विरासत की बात जब आती है तो एक व्यक्ति अगर वारिस है तब तो चलता है, लेकिन जहाँ दो व्यक्ति वारिस होंगे फिर यहाँ दो क्या आप मीसा भारती को भूल रहे हैं, वो भी अपने आप को लालू यादव की उत्तराधिकारी मानती रही हैं। इसमें हमने दिया है जी, जो इसमें एक तीसरा कौन है, कौन बहन का भी, बहन का भी एक तीसरा कौन है, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते मीसा भारती को, इसीलिए हमने ये लिखा भी है जी। इसमें एक कौन इनका भी है, ये पिछली बार इनके एक बड़े नेता रामकृपाल यादव जी बीजेपी में शामिल हो गए हुए, क्योंकि इन्होंने पाटलिपुत्र से मीसा को खड़ा कर दिया था जी। और खैर मीसा हार भी गई, लेकिन अब अगर आप देखें तो बदली हुई परिस्थिति में अगर एक पुत्र ये भी हैं, अगर तेज प्रताप अगर दो तीन सीटें मांग रहे थे तो इसमें देने में तो कोई बुराई नहीं थी। आपने जिक्र किया है कि वो जहानाबाद, और इनका कहना यही है जो हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जीतने वाले उम्मीदवार हैं, तो जीतने वाले उम्मीदवार को तो टिकट मिलना ही चाहिए, जिसमें इन्होंने जहानाबाद शिवहर आदि की बात की है और सारण में खास उनके करके जले पर नमक छिड़कने वाली बात इन्होंने सारण में की है कि जिनकी बेटी से वो तलाक ले रहे हैं। हाँ, उनके पिता को या सीट दे दी गई, चंद्रिका राय को सीट दे दी गई, सीट दी गई है इनका। और उसी दिन ये बगावत की जो आग जो तेजी से फैली और जिस दिन उन्होंने उसका सबसे बड़ा कारण कहिए तो यही है, चंद्रिका राय सारण से इन्होंने उनको सीट दिया। इनका कहना है कि ये हमारी पुश्तैनी सीट है, यहाँ से हमारे या तो पिता लड़ते थे या हमारी माता लड़ती थी। तो ऐसी स्थिति में आप जो है जब ये अपनी पत्नी से तलाक ले रहे हैं, वैसे समय में परिवार के लोग इनका साथ नहीं दे करके इनके ससुराल वालों का साथ दे रहे हैं, तो ये जले पर नमक छिड़कने वाली बात जो है यहाँ उत्पन्न हो गई है। ये संजीव जी, ये पहला चुनाव है जो अभी लालू यादव के बिना हो रहा है, जिसमें बिहार की जनता भी महसूस कर रही होगी कि कहीं ना कहीं वे लालू यादव को मिस कर रहे हैं पूरे चुनाव में। लालू का नहीं होना और वहाँ पे ये इस तरह से परिवार में झगड़ा होना, क्या बीजेपी के लिए राह आसान नहीं कर रही है? अभी ये आरजेडी की ये लड़ाई, अभी स्थिति यही है, जो महागठबंधन के जितने दल हैं वो सहमे हुए हैं इस उठापटक से या कहिए से। दूसरी तरफ जदयू और भाजपा के लोग थोड़े से
उत्साहित हैं, क्योंकि उनको इससे जो है कुछ न कुछ फायदा होता तो दिख रहा है। जी, वैसे ये बात अगर मोर्चा के तहत ये अगर 20 कैंडिडेट अपने खड़े करते हैं तो वोट तो काटेंगे, तो वोट तो काटेंगे, वोट ये काट तो देंगे, तय इसका है। फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि एक खास बात जो है, और बात चाहे इन तेज प्रताप में हो या ना हो, जो बोलने की स्टाइल है जो लालू यादव की, वो इनमें ज़्यादा दिखता है, छोटे बेटे में, नहीं बड़े बड़े बेटे बेटे में, में। तेज प्रताप में। तो इससे जो है लोग इनसे जल्दी कांटेक्ट में आए, तो लेकिन ये इनको तेजस्वी यादव की लीडरशिप की ये काफ़ी फेल्योर रहा कि वे अपने घर को नहीं संभाल पाए इस समय में, जब नाजुक वक्त था उनके लिए और एक चुनाव एक बड़ा मौका था उनके लिए जब वो अपनी लीडरशिप को साबित कर सकते थे। तेजस्वी हाँ, ये इस चुनाव में साबित तेजस्वी कर को सकते अगर थे। ये 3 सीट मांग रहे थे तो इनको देने में, और 3 सीट में भी ये सारण कह रहे हैं जो ये हमारी पुश्तैनी सीट है, तो यहाँ से या तो हमारी माता जी लड़े या मैं लड़ूँ। यदि वो अपना घर संभाल लेते तो शायद पार्टी और में अपनी दोस्त, धमक और बना पाते वो। हाँ, और जहानाबाद और शिवहर की बात है, शिवहर से वो ये अंगेश को लड़ाना चाह रहे हैं, और यहाँ से इसके बदले में जो इनके उम्मीदवार हैं जो इन्होंने बनाया है, चंद्रिका चंद्रिका राय जो नहीं, है। यहाँ से ये चंद्रिका राय तो इनके ससुर हैं जो सारण में लड़ रहे हैं, तो इनको वहाँ से नहीं लड़ाना चाह रहे हैं। ये सुरेंद्र जो है यहाँ से पहले जो बार बार हार रहे हैं, तो हारे, इनका कहना है जब हारे हुए कैंडिडेट को बार बार क्यों खड़ा कर रहे हैं, ये अगर प्रश्न कहें तो ये वाजिब है, क्योंकि चुनाव में जीतने वाले को टिकट दिया टिकट दिया जाता जाता है, है, हारने वाले को तो टिकट नहीं दिया जाता बिल्कुल है। सही बात अगर पिछली बार वो हारे तो इस बार भी क्यों हारे हुए को दे रहे हैं। अगर ये तेज प्रताप के इस प्रश्न को मेरे हिसाब से भी वाजिब है, क्योंकि कैंडिडेट उसी को टिकट दिया जाना चाहिए जो जीत सके। बिल्कुल। चलिए संजीव जी, हम आरजेडी से आते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जो संकल्प पत्र कहा है बीजेपी ने, और 75 संकल्प के साथ पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतर रही है, जी, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा है, 3 तलाक का मुद्दा है, ये बड़े मुद्दे हैं। आपने एक जो एक रिव्यू किया, समीक्षा की है आपने बीजेपी मोदी सरकार के 2014 के कुछ वादों की, आपने यहाँ 10 योजनाओं का जिक्र किया है जो सक्सेसफुल रहा, और उस पर आपने ये हेडलाइन दी, आपने दी है कि सब कुछ मुमकिन है। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि किन किन योजनाओं का आपने जिक्र किया है इसमें। ये अगर मैं आपको बताऊं तो हमने जो वादे इन्होंने किए थे, वैसे तो बहुत सारे वादे थे, जी और उन सभी वादों को सिर्फ 5 साल में पूरा करना तो एक असंभव जैसी बात है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो 393 वादे किए थे उसमें से 346 वादे इन्होंने लगभग पूरे पूरे कर करने की लिए। कोशिश की है। और उसमें हम पहली किस्त में, ये हमारा पहली किस्त है जिसमें हम, ओके, किश्तों में आप बताएंगे हाँ ये किन किन हम, वादों को हाँ मोदी क्योंकि सरकार ने पूरा किया। अभी हम इसमें सिर्फ 10 वादों की बात किए हैं, आगे हम फिर इसी तरह हमारे व्यूअर्स के लिए बता रहे जी हैं संजीव जी एक खास बात कि ये सीरीज में है, अभी आप अगले अंक में भी आप पढ़ेंगे, युगवार्ता के अगले अंक में भी पढ़ेंगे कि मोदी सरकार ने अपने किन किन वादों, जो जो वादे किए थे उसने किन किन को पूरा किया है, 2014 में जिन जो जिन वादे वादों को किए किए थे। थे उसमें से किन किन वादों को पूरा किया है, हम जो वादे अधूरे नहीं अधूरे हैं या जो वादे नहीं पूरे किए हैं, हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे, जी, क्योंकि जो पूरे ही नहीं हुए उसकी बात करने से क्या जो फायदा, वादे लेकिन पूरे कर लिए आप उनकी हाँ बात कर रहे उनकी हैं, बात हम कर रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प होगा जानना, ये जी सब जानना चाहते हैं, बल्कि ये विपक्षी दल भी जानना चाहेंगे हाँ, विपक्षी दल भी जानना कि चाहेंगे। बीजेपी ने, मोदी सरकार ने अपने कौन कौन से वादे पूरे कर लिए हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है काफ़ी है। जी संजीव जी, आप जो संपादकीय लिखा है आपने इस बार, वो बात कर रहे हैं आप महबूबा मुफ्ती के जी बयानों को लेकर, जो धारा 370 को लेकर उन्होंने कहा कि यदि सरकार इसे हटाने की हिमाकत करती है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। क्या कह रहा है आपका संपादकीय? हमारा कहना है कि ऐसी ऐसे किसी भी दल को जो देशद्रोही बात करे, क्योंकि जी 300 धारा 300 धारा तीन अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद तीन इसका सौ इसका सत्तर वादा बीजेपी के संकल्प पत्र में इस बार भी हाँ इस है, बार इस बार भी बीजेपी है, ने कहा है कि अगर हम जरूर कोशिश करेंगे, हमारी सरकार बनती है तो हम जरूर इसको हटाएंगे। हटाएंगे। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम अगले हफ्ते फिर आएंगे आपके पास संजीव जी को लेकर युगवार्ता के किसी कवर स्टोरी पर बात करने के लिए। आप बने रहिए तब तक हमारे साथ HS न्यूज़ पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं है।
एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।